नमस्कार। नेताजी टीवी चैनल के तरफ से आज मुझे एक ऐसे घर में आने का मौका मिला है जो हमारे हिंदुस्तान के राजनीति की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, मैं कह सकता हूं कि एक नींव जिन्होंने उत्तर प्रदेश और बलिया जिले में रखा था, श्री मंडल जी, मंडल शिव वचन पटेल जी, प्यार से हम सभी इनको मंडल जी भी बोलते हैं या ताऊ जी भी बोलते हैं। मंडल जी के आप घर परिवार को देख के ही आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि जो सही मायने में राजनीति समझते हैं या जो आम आदमी का राजनीति करते हैं, समस्याओं से लड़ना और समस्याओं के लिए लड़ना, जिनकी पूरी जिंदगी भर का ये मकसद रहा है, शायद आज उनके घर की हालत इस गिरी हुई दीवार को देख के आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ सत्ता के लोभी उन लोगों के घरों को भी आप देख सकते हैं जो आज कहीं मुख्यमंत्री के पद पे बैठा है और कहीं राज्यमंत्री के पद पे, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी जिसने हिंदुस्तान के मिट्टी से प्रेम किया, हिंदुस्तान के लोगों से प्रेम किया, आज वो एक आम हिंदुस्तानी जो है वो शिव वचन पटेल जी के रूप में आज हमारे बीच मौजूद है। पटेल जी नमस्कार। नेताजी TV.com पर सबसे मैं संतोष प्रताप सिंह जी, आप बहुत ही पुराने कॉमरेड हैं और उम्र के तगाजे को देख के लग रहा है कि आप 70 से ज़्यादा साल में है, 76 75 76 के आसपास आपकी उम्र है। पटेल साहब, आपने अपने जिंदगी के वो समय भी देखा होगा जब देश आज़ाद हुआ और देश के आज़ादी के आज तक के राजनीति में किस तरह से उतार चढ़ाव हुआ है वो आप सबने देखा है, और उन उतार चढ़ाव के बीच में आपने मायावती जैसे साधारण महिला को सड़क से आसमान तक पहुंचते हुए भी देखा है और गरीब लोगों का नाम लेके, गरीब महिलाओं का नाम लेके उनका वोट बटोर के आज वो मुख्यमंत्री बनी है, और आज उन्हीं गरीब महिलाओं और उन बेटियों को भूल गई है जिसका वो दलित होने का दावा करती है। तो मंडल जी, आप मुझे ये बताएं कि ये मायावती का जो 2012 में चुनाव होने वाला है उसका आपको क्या लगता है, वो दोबारा फिर मुख्यमंत्री बनेंगी कि ये इस बार इनका सब खत्म होने वाला है? उम्मीद कम है मगर भगवान जाने, क्योंकि लोग बहुत त्रस्त हैं इनके शासन में, जो कि उसका विधायक है वो थाना से भी घुस लेता है, राशन की दुकान से घुस लेता है, तो क्या काम करेगा हम पब्लिक का जो पैसा कमाएगा, जो पैसा देता सीओ को, दरोगा को लेना है, क्या काम करेगा? तो ऐसे लोगों को फिर हमारी जनता क्यों फिर दोबारा